पानी देखिए, आप देख ही सकते हो यहाँ का कंडीशन। वेलकम बैक टू माई चैनल हरे कृष्ण। कैसा आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। तो पूरा झुंड होके जा रहे हैं हम लोग सब, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो पानी नहीं आया है, क्योंकि हम लोग का जो घर है वो ऊंचाइयों में है, यहाँ तक पानी नहीं आया, लेकिन नीचे काफ़ी हद तक आ चुका है। वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ तक पानी आ चुका है। हमारा जो सिलचर टाउन में तो पूरा पानी भर चुका है, पूरा मतलब कहाँ तक है, कंधों तक है ना, कंधों तक बोल रही हूँ, कमर तक है, पूरा कमर तक आ चुका है पूरा, पता नहीं। और देखो बारिश पे बारिश, कुछ दिनों से बस बारिश ही दे रहा है। बहुत अच्छे से धूप दे रहा था, धूप ने पूरा जला दिया था, अब देख रहे हैं कि बारिश, दो दिन के बारिश से ही देखो फ्लड आ गया। इस साइड तो पानी नहीं आया है, तो इसके दूसरे रोड के दूसरे साइड थोड़ा चलकर जा रहे हैं, अभी वहाँ पानी आ चुका है काफ़ी हद तक। कंटिन्यूसली बारिश ही दिए जा रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हो वहाँ उस साइड में पूरा फ्लड आ गया है, तो यहाँ पर आकर अभी लोग रह रहे हैं, पता नहीं कैसे जो हम लोग सर्वाइव करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फ्लड आ गया है, काफ़ी हद तक आ चुका है, तो उसी को मैं कैप्चर करने जा रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा कंडीशन हो रखा है। दो दिन के बारिश में सिलचर का कंडीशन इतना ख़राब होगा पता नहीं था। मिजोराम का बांध छोड़ा गया है, इसलिए पूरा फुल हो गया। छोटी बहन और मैं आ रहे हैं, भैया का घर है जो कि डॉक्टर है। ये रही मेरी फ्रेंड, आ रही है। चलो फ्लड देखने चलते हैं कहाँ तक। तो मेरी फ्रेंड आ गई है, तो अभी इसको भी हमने बुला लिया, देखते हैं कहाँ तक पानी आया है। फ्लड देखने जाते हैं। हाँ, इतना हाइट कम था, लेकिन अभी देखो मेरे समान हो गई है, मेरे बराबर। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ आप देख सकते हो इस जगह में पूरा पानी घुस चुका है। फिर भी कम है ना, यहाँ कम है। हाँ, तो यहीं पे है जहाँ पर पूरा फ्लड से पूरा भर चुका है, पूरा कमर तक है। मैं आपको दिखाऊंगी, जब भी ये फ्लड आता है तो वहाँ एकदम पूरा भर जाता है पानी। पूरा पेड़ जो है, ये पेड़ इतना लंबा है, पूरा डूब चुका है पेड़ और घर। देखो ये एमएस कॉलोनी है, आप देख ही सकते हो। तो चले गए होंगे। हाँ, यहाँ के लोग कैसे रहेंगे, चले गए होंगे, रह भी नहीं पाएंगे, सब रूम खाली करके चले गए हैं ना। देख सकते हो पूरा हालत। OMG, इतना तक भरेगा पता नहीं था रे। हाँ, वहाँ मेरी एक फ्रेंड का घर है, वो गॉड। यहाँ आप देख सकते हो, वो वहाँ पे एक अंकल आ रहे हैं। देखिए पानी, देखिए अब कहाँ तक है, पूरा थाई तक पहुँच चुका है। और वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड का घर है, उस साइड मेरी फ्रेंड का घर है। देखो पूरा, ओ माय गॉड, पानी की वजह से ये सब आए हैं, पता है, ये सब पानी। हाँ, देख सकते हो पानी, आप देख ही सकते हो पूरा पानी भर चुका है एकदम से, पूरा थाई तक पहुंच चुका है। पता नहीं क्या होगा, ये और भी भरेगा, दो दिन के बारिश से इतना भरेगा पता नहीं था। देख ही सकते हो, मंकी लोगों ने भी अपना घर बना लिया है ना, मंकी को भी फ्लैट देखना है। उन लोगों को भी ठंडा लग रहा है ना, देख सकते हो मंकी लोगों को।
फ्लड की वजह से उन लोगों को भी अपना अपना घर ढूंढ रहे, तो वो छत के ऊपर चले गए। तो अभी जा रहे हैं हम दूसरे साइड बड़ाक नदी के, वहाँ पर लोरल वाला दिखा देती है, वहाँ तो पूरा भर चुका है। बहुत सुंदर है ना, कौन सा फ्लावर है ये? गुलमोहर। बहुत सुंदर लग रहा है। ये आप देख ही सकते हो हालत, ऐसा होगा पता ही नहीं था कि इतना फूल हो जाएगा। ऊपर के लोग तो है लेकिन नीचे के लोग सब चले गए हैं। ये एमएस कॉलोनी है, आप देख सकते हो पूरा फूल हो चुका है। ये प्लेग्राउंड था, एमएस कॉलोनी का प्लेग्राउंड था, आप देख सकते हो पूरा सब कुछ डुबा दिया। यहाँ पे होना कौन सा जहाज, वो जहाज है क्या? बारिश लगातार बारिश दिए जा रहा है कंटिन्यूसली, तो फ्लड तो आएगा ही ना। वो जो दूसरे साइड में ना देख सकते हो आप, वो दूसरे साइड बाराक नदी है, देख सकते हो फुल हो चुका है। चलो वहां तक चलते हैं। नहीं रे कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक इसका व्यू, बाकी है। अब हम इस साइड जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बाराक नदी जाने का रास्ता है, आप देख सकते हो यहाँ का रास्ता भी, देखिए ना क्या हालत हो चुका है यार सिलचर का कंडीशन। अभी तो मुझे फेस करना पड़ेगा, इस साल तो मुझे फेस करना पड़ेगा, जब मैं दूसरे साल मतलब पिछले साल जब फ्लड आया था तब तो मैं नहीं थी, तब मैंने फेस नहीं किया, लेकिन इस साल फ्लड आया है तो मुझे फेस करना पड़ेगा। उस टाइम तो भगवान ने उस टाइम मुझे बचा लिया, तब मैं प्रेग्नेंट भी थी और उस टाइम मैं यहाँ नहीं थी तो मुझे इतना फेस करना नहीं पड़ा, तो इस साल मुझे फेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये है बाराक नदी। ओ गॉड, ये देखिए, ओ गॉड, ये यहाँ के लोग कैसे जो सरवाइव करेंगे, कैसे रहेंगे यार। यहाँ के लोग कैसे रहेंगे आप देख सकते हो, वो झोपड़ी के लोग कैसे जो स्टे करेंगे, आप देख ही सकते हो यहाँ का कंडीशन। यहाँ तक नाव आ गया ना, वहाँ था नाव, वहाँ है बाराक नदी, आप देख सकते हो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ओ माँ, ये आप देख सकते हो हालत, आप देख सकते हो ऐसा कंडीशन होगा पता नहीं था। यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं यार, देख ही सकते हो ये झोपड़पट्टी में भी लोग हैं और इन लोग कैसे जो रहेंगे पता नहीं। ये देखो जेठी जा रही है, आ ना उजीगा जेठी, हो मई थी यार वारो दोरा आन लगे चा आता जंगन का बो जंगन का बो तब पो जगा आया आया। देखो ना पानी, देखो हाँ वहाँ हम खड़े थे ना, वो सूखा था, हाँ देखो ना पूरा पानी भर रहा है। चलो चलो जल्दी चलते यार, ये झोपड़पट्टी के लोग कैसे जो रहेंगे पता नहीं, मुझे सोचकर भी मतलब सच में दुख लग रहा है ना। ओ घोटारी, यहाँ तो पानी नहीं था ना, छी इतना गंदा पानी है। तो आप देख ही सकते हो और तो आगे नहीं जाएंगे, जहाँ पर हम हैं वहाँ का कंडीशन, वहाँ का सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसा हालत हो रखा है यहाँ पर। तो और दो तीन दिन बारिश दिया तो पूरा मतलब
हमारा जो आसाम है वो तो डूबने के कगार पे है, पूरा डूब ही जाएगा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। टाउन में तो पूरा पानी आ चुका है, कमर तक है जहाँ तक सुनने को आया है, और न्यूज़ में भी देखा कि काफ़ी कमर तक पानी आ चुका है। तो यहाँ तो पर तो अभी तक फ़िलहाल नहीं आया, लेकिन आप बाराक नदी इतना फुल हो चुका है तो ऑब्वियसली पानी तो आएगा ही, और दो तीन दिन बारिश दिया तो पूरा भर ही जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। आज सुबह से लेकर दोपहर तक तो बारिश नहीं दिया था, तो मुझे लगा कि और बारिश नहीं देगा तो फ्लड नहीं आएगा, सूख जाएगा। लेकिन अब देखो शाम होने को है और अब बारिश फिर चालू हो चुका है और बारिश दिए जा रहा है। वहाँ पे भी है, चल तो और एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे भी शायद से भर गया है, देखते हैं। और एक जगह पर जाते हैं, वहाँ पर भी शायद से फ्लड आ चुका है। कौन सी साइड है, वहाँ पे भी है, मेरे पीछे सब आ रहे हैं। हम छतरी में तो गर्मी ज़्यादा था। ये पानी आ रहा है, तो पूरा पानी आ चुका है तो। हाँ ये देखो ना, ये तो पूरा बढ़ ही जाएगा। हाँ वहाँ तक पूरा पानी आ गया है, अब तो आ ही जाएगा पूरा फ्लड। पता नहीं कौन से जगह का नाम भी नहीं पता है हम लोगों को, लेकिन आप देख सकते हो वहाँ तक पूरा सूखा है, वहाँ तक पूरा सूखा है और यहाँ तक पूरा पानी आ चुका है। देखिए देखिए, ओ गॉड, लोगों को देखो ना कैसे जो गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, पूरा पानी आ गया है। ओ गॉड, यहाँ देखिए यहाँ भी बढ़ चुका है। यहाँ तक वहाँ उस साइड तक अब तक नहीं आया है, इस साइड पूरा आ चुका है। अब तो पूरा भर ही जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, कल के बारिश तक हो जाएगा, भर जाएगा। आई जठी आई, हम लोग आए मेडिकल स्टोर पे, मेडिसिन ले रही है ये छोटी बहन, सब देख ही सकते हो। You can see the condition of our sister. आप देख ही सकते हो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी कितना ज़्यादा पानी आ चुका है, काफ़ी हद तक पानी आ चुका है। तो टाउन की तरफ तो मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि अभी ना ही हमें कोई ऑटो मिलेगा, ना ही हमें कोई कैब मिलेगा, तो हम टाउन की तरफ तो नहीं जाएंगे। और मैं आरफ को भी छोड़कर आई हूँ, तो टाउन की तरफ भी आप देख लीजिएगा, न्यूज़ पर दिया गया है कि कहाँ तक पानी आ चुका है। तो आप सिलचर का न्यूज़ आप ज़रूर देखिएगा कि कहाँ तक पानी आ चुका है। तो जितना हो पाए मैंने आपको दिखाया कि कहाँ किस हद तक पानी आ चुका है। तो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भी इतना पानी आ चुका है, तो और दो तीन दिन बारिश देने के बाद तो पूरा फुल हो ही जाएगा मुझे लगता है। गर्मी ख़त्म हुआ ही नहीं कि बारिश देना स्टार्ट हो गया और फ्लड आ गया। या जो पानी कैसे, जो हम रहेंगे कैसे, खाएंगे पिएंगे,